सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद जय हिंद दोस्तों। आज वैकेंसी लेके आए हैं पोर्टर इंडियन आर्मी की। पोर्टर इंडियन आर्मी क्या होता है, क्योंकि कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी आएगी और आज ये वैकेंसी आ गई है। आप लोग यहां पे जाके देख लीजिए, हिमाचल हिल पोर्टर की वैकेंसी आ गई है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारी चीजें, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले जो 2024 वाली वैकेंसी आई थी, 2024 में मार्च में वैकेंसी हुआ था, 9 मार्च और 8 मार्च को, उसमें क्या क्या मांगा गया था डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, रनिंग कितना कराया जाता है, क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें, और फिजिकली में क्या क्या कराया जाता है, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि अन्य कोई अपडेट जैसे आए तो आप लोगों के पास फौरन पहुंच जाए। आप और अगर आप लोगों को शॉर्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम के चैनल पे फौजी भाई 077, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। बात करते हैं कि जो पोर्टर इंडियन आर्मी होती है इनका काम क्या होता है, और ये वैकेंसियां फील्ड एरिया में होती है या हिल एरियो में होती है। तो दोस्तों ये वैकेंसियां होती है हिल एरियो में। हिल एरियो को मतलब आप लोगों का समझ में आ गया होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है ना। जैसे कि उत्तराखंड हो गया, असम हो गया, ठीक है ना, और आप चले जाएं हिमाचल प्रदेश, जम्मू चले जाएं, लेह लद्दाख चले जाएं, यहां ये भर्तियां होती हैं, ठीक है ना। और पोर्टर इंडियन आर्मी काम क्या करती है, काम के बारे में आप लोगों को पहले बता दे। इसका काम होता है दोस्तों कि मतलब जैसे कोई फौजी है उसका सहायता करना, जैसे कि अगर आप जहां पे गाड़ी वगैरह नहीं पहुंच सकती है, पहाड़ पे ड्यूटी करते हैं फौजी भाई, वहां पे राशन अनाज पहुंचाना, ठीक है ना, और अन्य अगर सामग्री पहुंचाना वहां पे। और इनका काम होता है जैसे कि बंकर्स वगैरह बनते हैं पहाड़ों पे, ठीक है ना, तो वहां पे आर्मी की सहायता करते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, जो टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे, काफी सालों से भर्ती नहीं आ रही थी टीए इंडियन आर्मी की, वो परेशान थे इसमें एज क्या है, एज की क्राइटेरिया क्या है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। इसमें हाइट भी कम मांगा गया है, और अगर आप 18 से 40 साल के बीच में हैं तो आप इसमें जा सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों पूरे भारत में कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, आप जा सकते हैं और इंडियन आर्मी की वर्दी ले सकते हैं। अगर बचपन से आपका भी सपना है कि AK-47 के साथ शादी करनी है तो आप शादी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एग्जाम नहीं होता है, सबसे अच्छी बात तो यही है, जो पढ़ने में एकदम जीरो हैं वो जा सकते हैं इसमें और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो उन सारी चीजों के बारे में अब बता देते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं यहां पे अभ्यर्थी को जो पंजीकरण होते दोस्तों वो जारी हो गए हैं। इनकी भर्ती 1 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में हो सकती है और मई तक इनका फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगा। लास्ट मई तक ये ट्रेनिंग में चले जाएंगे, फुल गारंटी के साथ कहता हूं। जो यहां पे आया दिखा दे, ये देखो इनमें मेडिकल हो रहा है, कैसे कैसे मेडिकल किया जाता है, हाइट कैसे नापा जाता है और रनिंग के लिए कैसे बैठाया जाता है। बीच में मैं ये वीडियो रनिंग की डाल दे रहा हूं जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था, आप पहले इस वीडियो को देखिए। कैसे वैसे तो कम सामान ले जा रहा हूँ, भगत भगत ना एक दो तीन चार
आपने वीडियो को देख लिया, आपको क्या लगा कि कैसी रनिंग हुई है वहां पे? आप लोग तो मेडिकल के बारे में देख लिए, ठीक है, इंपोर्टेड इंडियन आर्मी की है सब, ठीक है ना, क्या क्या मेडिकल हो रहा है, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अब अगर दस्तावेज की बात पे आते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या क्या लगेगा इसमें, दस्तावेज क्या क्या लगेगा, आप पहले एज बताते हैं, एज कितना होगा इसमें, एज अगर आप 18 से 40 साल के बीच में है, 18 से 40 साल के बीच, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट, अगर कक्षा 8 पास है, क्लास 5 पास है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको आधार कार्ड ले जाना है, उनकी 3 फोटो ले जाने हैं, और आपके 25 फोटो का सेट होना चाहिए, ठीक है ना, जो फोटो लगते हैं वहां 25 फोटो का, डॉक्यूमेंट्स पे जो फोटो लगता है 25 फोटो का सेट होना चाहिए आप लोगों का। और इसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन लगना है, जरूरी है, अनिवार्य है। आय जात निवास लगेगा आपका, प्रधान से प्रमाणित होगा, जो प्रधान से या क्षेत्र पंचायत सदस्य से प्रमाणित किया जाता है कि आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, आपको वली भाग पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, ये लगेगा आपको, ठीक है ना। और इसमें और क्या क्या लगेगा, SBI या पंजाब नेशनल बैंक का आपका वो लगेगा पासबुक, SBI का होगा या पंजाब नेशनल बैंक का होगा, ये BOB वगैरह का नहीं चलेगा, ना इंडियन बैंक का चलेगा, बस यही आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर पढ़ने में आप शून्य हैं, अगर क्लास 5 पढ़े हैं, ठीक है ना, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप लोगों को मैं बता दिया हूं, इतनी अच्छी वैकेंसी आप लोगों को नहीं मिल सकती है, पढ़ने में शून्य हो, कुछ नहीं कर सकते हो, रनिंग भी इसमें कोई हार्ड नहीं मांगी गई है, क्योंकि बीच में रनिंग मैंने दिखा दिया गया, कहीं पे इसमें रनिंग 800 मीटर करवा देते हैं, कहीं 1600 मीटर तो पूरा नहीं होता है, हार्ड रनिंग नहीं होती है कि अगर हम तैयारी करके नहीं गए तो हमारा नहीं होगा, लेकिन नहीं, आपको तैयारी करने एकदम अनिवार्य है, तैयारी करके जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे कर्नल के माइंड पे है कि कर्नल क्या करता है, अगर उसको 1600 मीटर दौड़ाना है तो 1600 दौड़ाएगा, 800 मीटर दौड़ाएगा, या तो 400 मीटर दौड़ाएगा। तो आप अपने तैयारी को बेसिकली अच्छे से तैयार होके जाइए और अपने सपने को साकार करिए। दोस्तों घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थककर न बैठे के 47 के दीवाने AK-47 मिलेगी और चलाने का मजा भी आएगा। मेहनत ऐसी करो मेरे दोस्त कि मेहनत को भी पसीना जाए। तो वैकेंसी के बारे में मैं बता दिया हूं, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जाइएगा।